नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड में। आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो ट्राई को लेकर करेंगे। आपको मालूम ही है कि कुछ दिनों से ब्रॉडकास्टर्स ने अपने नए नए प्राइजेस को अपडेट करना शुरू कर दिया है। काफी चैनल्स के जो प्राइज है वो बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आम जनता जो है वो परेशान नजर आने लगी है। और 1 दिसंबर 2021 के बाद से जो है नए प्राइजेस हैं वो हमारे लिए सभी केबल टीवी और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स में अपडेट कर दिए जाएंगे, जिसके बाद जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस हुआ करता था ₹19, उसको खत्म करते हुए यहाँ पर जो है अनलिमिटेड प्राइस जो है वो सेट करने का एक मौका मिल गया ब्रॉडकास्टर्स को। और आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स ने किस तरह से एक सिंगल चैनल की कीमत को ₹30 कर दिया है, और अगर उसके ऊपर 18% की GST जो गवर्नमेंट ले रही है वो भी अप्लीकेबल होगी, तो जिससे कीमत जो है वो करीबन ₹35 के आसपास आपको पड़ेगी एक सिंगल चैनल की। आप समझ ही सकते हैं कि कितना महंगा आपके लिए यहाँ पर सौदा होने वाला है। और जिस तरह की कीमतें उन्होंने बढ़ाई है वो सभी के सभी मेजर सबसे देखे जाने वाले चैनल्स हैं, जिससे ब्रॉडकास्टर्स ने जो है उन सभी कस्टमर्स को मजबूर कर दिया है कि अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो आपको कीमत भी अच्छी देनी होगी। तो ऐसे में ट्राई ने क्या किया है, इसके ऊपर फटकार लगाते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमें ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि NTO 2.0 के बाद ब्रॉडकास्टर ऐसी मनमर्जी करेंगे। उनका यहाँ पर यह कहना है कि हमने NTO 2.0 को इसलिए लागू किया था ताकि कस्टमर्स पर जो बोझ है वो थोड़ा कम पड़े, क्योंकि हमने यहाँ पर साफ कहा था कि जिस चैनल की कीमत ₹12 से ज्यादा होगी वो ब्रॉडकास्टर के बुके का हिस्सा नहीं रहेगा, उस चैनल को केवल अला कार्ट में ही दिखाना होगा। वैसे देखा जाए तो ट्राई ने यहाँ पर हमारे लिए तो कोई फायदे की बात नहीं कही, क्योंकि जो चैनल अगर ₹12 से ऊपर का है अगर वही ब्रॉडकास्टर के बुके से बाहर हो रहा है तो उसमें कस्टमर का क्या फायदा है। यहाँ पर तो साफ नजर आ रहा है कि ट्राई ने पहले से ही ब्रॉडकास्टर्स को पूरी आजादी दे दी थी कि आप जो है अपने चैनल की किसी भी तरह से कोई भी कीमत रख सकते हैं, क्योंकि पहले जो ₹19 का एक लिमिटेशन हुआ करता था वो भी खत्म कर दिया, जिसके बाद ब्रॉडकास्टर्स ने अपनी मन मर्जी से जितना चाहे उतना दाम बढ़ा लिया। और अब मैक्सिमम जो प्राइस है वो ₹30 भी दिखाई देने लगा है। कुछ चैनल की कीमतें ₹22 हुई है, किसी की ₹25 हुई है, किसी की ₹28 हुई है, तो किसी की ₹30 भी हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं नजर आ रही है, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर्स ने अपनी मर्जी से प्राइजेस को तय किया है। और आगे चलकर ये प्राइजेस जो है वो 40 से 50 रुपए भी जा सकते हैं, जिसके बाद आप ये कह लीजिए कि DTH की जो मार्केट है, जो केबल टीवी की मार्केट है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करेगी, डाउन हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो DTH कनेक्शंस और अपने केबल टीवी कनेक्शंस को धीरे धीरे रिचार्ज करवाना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो टीवी जो मनोरंजन है वो महंगा हो जाएगा, और ऐसे में DTH की ओर जो है कस्टमर काफी शिफ्ट हो सकते हैं या फिर अपने OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ। बाकी दोस्तों ट्राई की बात करें तो ट्राई ने यहाँ पर यही कहा है कि जो प्राइसेस बढ़ाए गए हैं उससे हम भी काफी चिंतित हुए हैं, ब्रॉडकास्टर्स ने जो है काफी हद से ज्यादा ही प्राइसेस को बढ़ा दिए हैं। हमने ये नहीं कहा था कि आप अपनी मनमर्जी से इतने ज्यादा प्राइस बढ़ा दें, हमने आपको ये कहा था कि नॉमिनल प्राइस आप बढ़ा सकते हैं जिससे कस्टमर्स को जो है इफेक्ट ना हो, लेकिन यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स ने बहुत ज्यादा ही प्राइस को बढ़ाया है, जिसकी वजह से DTH इंडस्ट्रीज भी काफी खतरे में नजर आ रही है। और यहाँ पर केबल टीवी ऑपरेटर्स ने भी ट्राई के पास नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ब्रॉडकास्टर्स की वजह से उन्हें काफी सब्सक्राइबर बेस को झटका महसूस हो सकता है, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो केबल टीवी या DTH कनेक्शंस को बंद करवाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है, जो प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं वो सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है? ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि हमें घाटा हो रहा है जिसकी वजह से हमें प्राइस बढ़ाना मजबूरी है, और आपकी तरफ से क्या लगता है आपको कि हमारे लिए घाटा होगा कि नहीं होगा? तो मेरी ओपिनियन अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से ये काफी महंगा सौदा होगा, कस्टमर्स के जेब पर काफी भारी बोझ बढ़ने वाला है। मुझे उम्मीद है कि ब्रॉडकास्टर्स अगर कोई समझदारी का काम करते तो कस्टमर्स के जेब पर भी बोझ ना पड़ता और ब्रॉडकास्टर्स का भी जो काम है वो चलता रहता, लेकिन अब हालात ये नजर आ रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर्स जब हैं इतने महंगे दाम कर चुके हैं, तो आने वाले वक्त में यही उम्मीद है कि जब उनको TRP नहीं आएगी तो उसके बाद उनको मजबूरी में एक बार फिर से अपने प्राइस को डाउन करना ही पड़ेगा। बाकी इसके अलावा मन में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारी वीडियोस के जरूर मिलेंगे। और साथ ही में हमारी ऑफिशियली वेबसाइट journalismguide.in भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका आपको लिंक मिलेगा। और जल्दी हम आपके लिए एक नया ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पर आप अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स को बाय कर सकेंगे, चाहे वो DTH कनेक्शन हो, कोई भी सेट टॉप बॉक्स हो, MPG2, MPG4, LNB कुछ भी हो, रिमोट कंट्रोल हो, सब मिलेगा, और वो भी काफी कम दामों पर। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक जल्द ही मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।